Hey guys, welcome back to my channel. So after so long, I am making something for you guys. After so long, I'm filming a cooking video. So let's start. तो इस रेसिपी का नाम मैं आपको एंड में बताऊंगी, जैसे आपको पता चल ही जाएगा टाइटल से। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल एंड बटर, लॉट्स ऑफ बटर्स। तो आप लोगों को मैं थोड़ा और पास ले आई हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी क्यूमन सीड्स, जीरा। तो मैं बना रही हूँ पनीर मखनी बट विद अ ट्विस्ट। तो इसमें मैंने गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिलीज हैं जो मैंने ले ली। और यहाँ मैंने 3 से 4 बड़ी प्याज ले ली हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। देखो इनिशियली कितना ज़्यादा लग रहा था ऑयल, लेकिन प्याज और टमाटर डालने के बाद ये कम लगने लगा। थोड़ा गैस तेज कर लेती हूँ। प्याज थोड़ा टेंडर हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी हैंडफुल ऑफ कैश्यूज। और हम इसे थोड़ी देर और सॉटे करेंगे। सो टेल मी गाइज, आप लोगों का न्यू ईयर्स और क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स कैसा रहा बताइए। मेरा तो ओके था, आई वॉज नॉट वेल, इसलिए मैंने कोई भी रेसिपी शूट नहीं की। आई वॉज जस्ट टेकिंग रेस्ट। देखिए हमारी प्याज अब भुन गई है, इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े कटे हुए टमाटर। अब हम इन्हें भुनेंगे। अब वैसे तो आप किसी ओकेजन पे एज अ साइड डिश की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेफ्ट ओवर पनीर मखनी बची है तो आप इसे बंस में फिल करके बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या स्नैक्स में खा सकते हैं, या कोई आ जाए तो उसे सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फैंसी सी रेसिपी है, आप बनाइए और ट्राई करके फिर मुझे बताइएगा। पहले तो मैं बना लूँ। टमाटर हमारे थोड़े जल्दी पक जाएं इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। केवल हमें टमाटर को पकाने के लिए डालना है। अब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। हाँ, तो मैंने एप्रन पहन लिया है क्योंकि हम बनाएंगे और इसमें पूरा जंग का मैदान हो जाएगा और मेरी वाइट ड्रेस ख़राब हो जाएगी, तो मैंने सोचा मैं एप्रन पहन देती हूँ। और मैंने इसको ठंडा करके पीस के छान लिया है, तो एकदम मखमली ग्रेवी हो गई है, मसाला हो गया। अब हम इसे तड़का देंगे। तड़का देने के लिए गैस ऑन कर रखी है मैंने, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैं खाना ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए। अब मैंने इसमें तेल डाल दिया, जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर। ये रेड चिली पाउडर कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, लेस इन हीट एंड मोर इन कलर। सो या हम डाल देंगे इसे, और ये हमारी ग्रेवी को एक ब्राइट रेड, नाइस ब्राइट रेड कलर देगा।
चिली पाउडर बहुत जल्दी जलेगा, इसलिए हम फटाक से ये डाल देंगे अपनी ग्रेवी। हमें एक भी ड्रॉप इसका वेस्ट नहीं करना है, तो हम ये वाले स्पैचुला से अच्छे से इसे मोच लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि याद है ना आपको हमने टमाटर पकने के लिए थोड़ा सा नमक डाला था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जस्ट एडजस्ट करना है। अब हम इसे फिनिश ऑफ करेंगे थोड़े से बटर से, क्योंकि है ये पनीर मक्खनी, तो मक्खन में कंजूसी नहीं भाई, डालो डालो, बिकॉज आई लव बटर एंड घी। हम इसे गैस को बंद कर देंगे और फाइनल टच देंगे हम फ्रेश क्रीम। डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमने इसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाला है, इसलिए मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, मेरे पास बंस हैं, इनको हॉलो करना है बीच में से, तो हम इसे स्कूप आउट कर लेंगे। और इन अगर जो स्कूप आउट करने के बाद जो निकलेगा उसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो हमारा ये बन हॉलो हो गया है, इसी तरीके से हम इसको भी हॉलो कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों बन हॉलो हो गए हैं। तो चलिए अब इनके साथ क्या करना है बताते हैं। तो यहाँ मेरे पास सॉफ्ट बटर है और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। आप चाहें तो गार्लिक भी डाल सकते हैं। हाँ तो मैं बटर इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि सौगी ना हो, और इसमें हमने बटर पनीर बटर मसाला बनाया था उसे हम फिल करके इसे बेक करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा कुछ कुछ स्प्रिंकल करके। टेम्पिंग, अब हम इसमें ये फिल कर देंगे, हो सके तो ग्रेवी कम से कम ही डाल देंगे। डालेंगे चीज़ जो कि ऑप्शनल है, आप डालिए आपके ऊपर, बट आई लव चीज़। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, नले ये मैं पिज्जा सीजनिंग डाल रही हूँ, कंप्लीटली ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। Aren't they looking cute? तो अब ये जाएंगे अवन में 180 डिग्री पे, जब तक कि चीज़ इसकी मेल्ट नहीं होती। So, yeah, let's start.
आई गॉट दिस ब्रश, क्यूरीज को रख क्यूटीज को देख के कौन रेजिस्ट कर सकता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। सो अब मैं तो उठा के खाने वाली हूँ ये वाला, देखो इसे कितना चीजी क्रीमी मखनी रिच है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। आई रियली वांट टू हैव अ बाइट, चीयर्स। ऊपर चीज, अंदर मखमली मक्खन वाली ग्रेवी, एंड दिस इज सो गुड मैन, सो गुड। देखो मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगे और इजी भी है बनाना। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, थोड़ी इनोवेटिव लगी हो, क्योंकि ये मेरी इनोवेशन है और मैंने ट्राई किया है यूट्यूब पे, पहली बार मैंने कुछ नया बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस रेसिपी को। और ये मेरे चैनल पे ना केवल कुकिंग और रेसिपीज़ ही मिलेंगी बल्कि कुछ एंटरटेनिंग स्टफ़ भी मिलता रहेगा आपको। तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है life_withsmita, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे भी। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।